साले ब्लॉग बना रहा है कि रोस्टिंग कर रहा है। ये रहा अपना रात का खाना, डोरा का गोला। हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और कहाँ जा रहा हूँ बताऊँगा थोड़ी देर में, बहुत जल्दी में हूँ मैं, लेट हो रखा हूँ भाई। सारे बंदे पहुँचने वाले होंगे वहाँ, 7 बजे का डिसाइड किया था और 7 बजने में अभी 10 मिनट है और मैं अभी तैयार भी नहीं हो रखा हूँ। जूते पहनने नाश्ता करना है और निकलना है, और बाहर मौसम भी तगड़ा हो रखा है मस्त। निकलते जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। अरे गाइस निकल रहे फिर से, चलो ठीक है हम टाटा निकलते हैं फिर, और रास्ते में बताऊंगा बाकी की डिटेल्स, कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अभी लेट हो गया हूँ मैं पहले ही, मगर मैं कुछ भूल तो नहीं रहा क्या ते भले जान दी आप गुगम बैठ क्या भूल रहा हूँ मैं, कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। एक बार देखिए वहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा मेरा। आराम आराम सर, वाइस निकल चुका हूँ यहाँ से एक, और अभी हम जा रहे हैं पहले बस अड्डा जा रहे हैं। इस बारी में गाड़ी वाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, इस बारी में आपको उससे जाऊँगा, बस से ट्रैवल करूँगा। और किसके साथ जा रहा हूँ वो आपको आगे जाके बताऊँगा। अभी फिलहाल मेरा भाई आ रहा है मेरे को छोड़ने के लिए बस अड्डा तक। और मौसम देखो यार, सुबह से तो बारिश हो रही थी, अब देखोगे अब मस्त हो चुका है, बारिश वारिश बंद हो चुकी है। पर ऐसे ही बंद रहनी चाहिए थोड़ी देर तक, जब तक हम सब तक बस में बैठ के निकल नहीं जाते यहाँ से, तब तक बंद रहे, उसके बाद चाय हो जाए जितनी होनी है। सो गाइस बस अड्डा पहुँच चुके हैं हम लोग, अभी एक बंदा ये अपने साथ और 3 ही है। सो अभी पहले बस ढूंढते हैं, नीचे जा रहे हैं अभी, वहाँ से बस ढूंढते हैं बैठते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों को। सो गाइस बस मिल चुकी है जो आधे घंटे बाद जाएगी यहाँ से, ये वाली बस है। और हम नीचे जा रहे हैं, पानी की बोतल लेके आता हूँ मैं, बस मैं चला रहा हूँ गाइस। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, भाई चलाएगा। मौसम तो सही हो रखा है अब, ज़्यादा ख़राब नहीं है। सो गाइस निकल गए यहाँ से, देख सकते हो ये रहा गुरुद्वार, और अब निकल रहे हैं हम अपनी एक और नई जर्नी में, और अपने साथ है 5 बंदे। ठीक है अब इस बारी वाली ट्रिप में भाई आराम आराम से चलेंगे अपना मस्त, कोई गाड़ी नहीं चलानी, कोई बाइक नहीं चलानी, कोई कुछ नहीं चलाना, चिल होके बैठ के रहेंगे। तो गाइस अमीने लोग है भाई, देख रहे हो भाई हमने अकेले छोड़ दिया, तेज बोलते हैं क्या आवाज भी आ रही होगी, अकेले छोड़ दिया हमने अकेले। अपने अपने चेहरे दिखा दो, साइड प्रोफाइल नहीं दिखा रही थी, चेहरे दिखा रही थी। चलते गाइस यहाँ से। बढ़िया भैया कैसे हो, ऋषिकेश? गाइस इस वाली ट्रिप में इंट्रो भी नहीं किया मैंने अभी तक। सो हेलो राम राम दोस्तों, और भाई लोग कैसे हो? अभी रेड लाइट पे होट एंड कूल के पास। हरिद्वार पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। वैसे भाई एक तो हमारा इंसान घायल हो चुका है मानसी, उसने उल्टियां कर दी है। टुक टुक में जा रहे हैं, इस लड़की की हालत खराब है देखते हो, ये वाली लड़की उसका मूड ऑफ हो गया, कल जितनी एक्साइटमेंट थी ना इसे कि ये ट्रिप पे जा रहे हैं घूमेंगे फिरेंगे, वो इरिटेट हो रही है, वो इरिटेट हो रही है, मजा आएगा अभी और इरिटेट करना है। गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में, और अभी हमें राम झूला जा रहे हैं, यहाँ से राम झूला पार करेंगे, उसके बाद जो उधर वाली साइड है वहाँ से जाएंगे लक्ष्मण झूला की साइड, वहाँ पे रूम में जाएंगे, फिर रूम में जाके थोड़ा आराम आराम करेंगे, फिर निकलेंगे थोड़ी देर में घूमने के लिए। और रुक जा रुक जा, ये सब तो होता रहेगा मानसी। मानसी का सिस्टम सुन तो ले चुका है, ओए सुन तो ले कुछ, तो इधर तो देख अब ठीक है तू, अब तो जैसे लगाई तो पावर आ गई। पहले ऐसे दिख नहीं रहा था, मानसी की अंधी हो रखी थी और धुंधली हो रखी थी पहले, अब मानसी की पावर 2 हो गई। सो गाइस ऋषिकेश वाली वाइब तो आने लग गई है,
इनकी हरकतें देखो, पानी दिखानी दिखा, 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 दिखा। ये देखो ये ये देखो तेरे कैमरे पे मार दे मेरा कैमरा तो हाँ, मेरा तो वाटरप्रूफ कैमरा है भाई, मार लो पानी। गाइस यार पानी का रिव्यू मिल रहा है कि पानी कैसा है यहाँ, कैसा पानी है रिव्यू देना जरा। कैसा? सफेद सफेद नहीं होता पानी, क्लियर होता है पानी। मसाले ब्लॉग बना रहा है कि रोस्टिंग कर रहा है। ये ब्लॉगर नहीं है, ये रोस्टर है गाइस। बदमाशी नहीं करनी मित्र। मिलते हैं बाद में। रास्ता देखो कितना मस्त है, बट अगर गर्मी ना हो रही हो तब बह रहे हम पसीने से, पानी पानी हो गया भयंकर पूरा। तो भाई और अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है रूम। अभी तूने कहा यहीं पे, यहीं पे तो है भाई, 5 मिनट का वॉक था, 1.5 किलोमीटर। चूतिया बना रहे ना ये, बोल बोल के 1.5 किलोमीटर है। अब भी आ जाएगा, अब भी ठीक करके देता हूँ। अब भी ठीक करके देता हूँ यार। ये वाला एरिया देख एकदम मस्त है। तो गाइस फाइनली होटल के नीचे पहुंच गए, और लोगों को संतरा देख के पहली बार इतनी खुशी हुई होगी। ये अपना होटल, द होटल ऑरेंज क्लासिक। चेक इन करते हैं और रूम पे मिलता हूँ फिर आप लोगों को। सो गाइस पहुंच गए हम होटल में। अब अपन को करने का आराम। यहाँ देखो लोगों के घर पे कॉल होने लग गई है, और इनकी बैल्कनी देखो, ये लग्जरियस बैल्कनी है अपने पास। यहाँ से आगे का गंगा जी का व्यू है, और लक्ष्मण झूला वहाँ पे कहीं पे है। मौसम मस्त हो चुका है, लोग थक गए। कोई जाएगा कहीं अभी वाटरफॉल वाले कौन थे? चलो यहीं पे चले जाते हैं यार। सो गाइस माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद हमें एक रूम मिल गया है, और यहाँ देखो पसीना देख रहे हो। अभी एक ही रूम मिला है, दूसरा वाला रूम अभी रेडी हो रहा है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं सफाई उफाई कर रहे। दूसरा कौन सा बोल रहे हैं? 4। सो गाइस दूसरा रूम भी अपना तैयार हो चुका है, और दूसरा रूम हमारा ये रहा, देख सकते हो। ये 3 लड़कियों वाला है, और जो उधर वाला रूम है उसमें मैं और सौरभ रहेंगे। फिलहाल वहाँ सौरभ नहा रहा था, तो मैंने कहा मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से नहा के चलूँगा उधर। भयंकर बैल्कनी के नाम पे क्या दिया है ये हमें, ये देखो आगे ये है। वाओ व्यू है भाई यहाँ तो, व्यू यहाँ से ये व्यू है। लास्ट पीटा भाई इनका कसम से, बैल्कनी के नाम पे हग दिए। ऊपर टेरेस में जाके देखेंगे एक बारी क्या सीन है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, और नहा धो के आऊँगा बाहर। सो गाइस अभी रूम से निकल रहे हैं हम घूमने के लिए, पहले जाएंगे कुछ खाने के लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं है, मतलब मैंने तो खाया, एक रोटी खा के आया था मैं, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो मतलब पहले जाएंगे कुछ खाने के लिए, उसके बाद वहाँ से जाएंगे नीर वाटरफॉल, और फिर आगे का प्लान आपको वहाँ से डिसाइड करेंगे कि वहाँ से कहाँ जाना है, क्या टाइम है। टाइमिंग के हिसाब से होगा ना, कि वहाँ भयंकर टाइम लग गया तो फिर क्या सीन होगा। फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस अभी हम यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं, और ये देखो इसकी ऊपर तक कभी नहीं दिख रहा, यह है त्र्यंबकेश्वर महादेव, 13th फ्लोर वाला मंदिर। और अभी हम कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं, फिर नीर वाटरफॉल जाना है, फिर 4-5 बजे तक वहाँ पहुँचना है। भाई इतनी देर से खाना ढूंढ रहे थे, मिल गया। क्या मिला? घर घर जैसा खाना, जैसे बाहर लिखा हुआ है घर जैसा खाना, सब्जी दाल और चावल। ये खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई कोई टेस्ट करके बताएगा क्या? आपको थाली दिखाई दे रही है? नहीं। क्या आपको थाली दिखाई दे रही है? डोरा विद एक्सप्लोरा, डोरा विद एक्सप्लोरा। नहीं, क्या हम नीर वाटरफॉल जा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो वाटरफॉल बंद है। अरे वो कली बंद हुआ है, मेन सीन ये है वो कली बंद हुआ है। सो गाइस हम नीर वाटरफॉल में जा रहे हैं, आज का दिन ऐसी बर्बाद करेंगे, शाम को जाएंगे त्रिवेणी घाट, 2 बज चुके हैं वैसे सही, तो यही सीन है। बाकी यहाँ पे थोड़ी वीडियोस बनाते हैं। मित्र 3 बज गए मित्र, अब जा रहे हैं हम होटल रूम में। भाई हमें 2 बज चुके हैं, नहीं 2 नहीं 3, हाँ 3:30 3 बज चुके हैं भाई, पता ही नहीं चला भाई।
टाइम को पता ही नहीं चला कब निकल गया भाई, 3 बज गए अभी निकल रहे हैं यहाँ से, रूम पे जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं रूम पे और रूम पे जाके हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे त्रिवेणी घाट के लिए। वाटरफॉल का तो कैंसिल हो गया था अपना। और कमेंट करके बताना किसकी व्लॉगिंग ज्यादा अच्छी लगी, इसकी या मेरी। मित्र बदमाश से नहीं मित्र। क्या आपको 3 लड़कियां दिख रही है? नहीं दिख रही है, नहीं ये है डोरा, बीच वाला डोरा विद एक्सप्लोरा, ये उसका मंकी मंकी बना दिया। और ये पता कौन है, मुझे चोर नहीं रहता था उसमें। ओए यार सब कैरेक्टर बता दिए तुझे तो। देख ले बेटे हम दो कैमरामैन नेवर डाई। इन तीनों का भाई यहाँ शूट ही खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे भी रील बनाने के लिए रुक गए। कर रही है देखो, तो मैं BTS दिखाता हूँ फोटो के पीछे का BTS। इधर देखना मानसी, ये है हमारी मिस गोरी मैडम। क्या बढ़िया था गुरु। ये सारा मटियो हाय ले, अब आ गया हो तेरे पीछे। ओए चल चल चल, चलो उसे रूम होटल रूम दिखाएंगे अपना। जल्दी 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 शाम के बज चुके हैं 4 और अभी हम निकल रहे हैं त्रिवेणी घाट के लिए। 4 से ज्यादा हो चुका है, 4:30 हो चुके हैं और दोनों भाई ब्लैक। हाँ भाई आज हमारा ड्रेस कोड ही गया, हम दोनों ब्लैक। और उनको दिखाऊंगा मैं तुम्हें, वो क्या फुर्की बांध बने हुए। उनको देखना भाई, उनको देखने के बाद आपका रिएक्शन ऐसा होगा जैसे हम कहीं शादी वादी के प्लान करके आ रहे हैं। वही तो, शादी में जा रहे होंगे कहीं भयंकर प्लान है जैसे सब। और लड़कों का भी मैचिंग हो गया, वो बने हुए फुर्की बांध और हम दोनों बने हुए ब्लैक। यस लेट्स गो गाइस। यहां रूम से निकलते ही बारिश पड़ने लग गई है। व्लॉग के ग्लैमर देखो, ये छकना बांध बने हुए। हमारा है पाचर, दो पाचर भी तो आए हैं। हम बॉडीगार्ड बदमाशी क्या थे। और ये बने हुए रंग बिरंगे भयंकर, हमें काले कबूतर बना दिए इन्होंने। और ये खुद रिंग यहाँ देखो, किसी का कलर सेम नहीं है भाई। बारिश भी पड़ने लग गई है, अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमें। लेट्स सी, टाइम से जाना है, टाइम से पहुँचना है यार। So guys, अबे अभी सदर के बाद घंटों चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जानकी सेतु। दिखाता हूँ, पसीने से देख रहे हो। चलो हमारा तो ये, हम तो लौंडे, हमने तो भयंकर पसीने से कुछ नहीं होगा, हमने कुछ लगाया भी नहीं था। लड़कियों ने जितना मेकअप किया था सारा धुल गया। हमारी हालत तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं ये शर्ट पहन रखी है अंदर से पूरी, अंदर से मैं गीला हूँ पूरा, मैं भी गीला हूँ, गीला हूँ मैं भी। So guys, here is जानकी सेतु, वीडियोस बना रहे फर्स्ट से। देखो एक बारी पहले आया था जब रात को आया था और बाइक से आया था, उस टाइम पे कुछ वीडियो नहीं बनाई थी। अब आया हूँ पैदल पैदल, रुक जा रुक जा। सो गाइस ये देखो, ये उस दिन मैं देखना चाह रहा था पर गाड़ी में बैठे हुए थे और इस साइड ही जा रहे थे, मेरा वाली साइड। इनको कहाँ गए, जय बजरंगबली। मस्त लग रहा है ना, आगे वाले उस पे भी है, वहाँ पे भी दिखाऊंगा। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके थे जानकी सेतु से, हमने अभी पार किया और उसके बाद यहाँ से टुक-टुक ले लिया। फ्रंट सीट मिली है भाई, VIP वाली। भैया VIP सीट में विंडो सीट है। थैंक यू भैया। हाँ भाई कितना आराम मिल रहा है, 4 किलोमीटर उतनी दूर से चल के आ रहे हैं लक्ष्मण दीदा से। कितना हो, 3-4 किलोमीटर आरती का टाइमिंग क्या, आरती का 7:15 में शुरू होगी। ओके हाँ जल्दी चले जाएंगे, थोड़ा वहाँ सीट वीट का भी होता है ना, भीड़ हो जाती है। तीन साइड में सीट है ना,
अभी तो अभी काफी टाइम है, तीन सेट में सीट देखना। सही है सही है, जल्दी सीट मिल जाएगी तो ज्यादा बढ़िया है। आगे मिल गई ना, वीडियो भी बन जाएगी अच्छी। मजा तो उनका फ्रेंड भाई है। हाँ आगे से देखने में। सो गाइस ऑटो से निकल चुके हैं और अभी हम त्रिवेणी घाट वाले रास्ते पे हैं। यहाँ से सीधे सीधे रूट पे सीधे सीधे त्रिवेणी घाट है। हाँ भाई मेकअप उतर गया सबका? नहीं। लाडरे मेकअप के नाम पे बस बिंदी बची है। मेकअप के नाम पे बिंदी बची है लाडर की, बस सनी बाजार लगता दिल्ली में लगता था ना, तो वहाँ लगता था सनी बाजार मंगल बाजार, तो ऐसे ही रहता था टेले पे साइड साइड में कपड़े बेचते। तो भाई ये इतना टाइट हो रहा है मेरे से ना, ये ऐसे नहीं हो रहा, स्ट्रेस पूरा ये दुखने लग जाना था अंदर। सो गाइस पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट की एंट्रेंस पे। ये देखो भोले बाबा बैठे हैं ऊपर, जय भोले। अरे अरे मारे लब पहुंच गए त्रिवेणी घाट भाई लाडर, अब कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा हिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रहा है भाई। पैर पैर तो दुख रहे ना। हाँ दर्द दुख दर्द एक तरफ, अब दिल से जो फीलिंग आ रही है ना वो मैं आपको बता दी, बस दुख दर्द गया भाड में नीचे जाओ उस साइड में, वहाँ नीचे नहीं यार आगे बैठा नहीं लाटे यार, ऊपर से वीडियोस भी अच्छी आ जाएगी। नहीं आगे से भी आना सही है, जाओ तुम कोई नहीं। लाटर फाइनली पहुँच गए गाइस त्रिवेणी घाट पे, और इस लड़की को और आगे जाना है, जिंदगी में संतुष्ट नहीं है। ये देखो अभी पूजा स्टार्ट हो गई यहाँ पे। क्या वो क्या अंकल वो दिखा रहे हैं माड़ा गांव में जहाँ सरस्वती नदी वो जाती है ना विलुप्त, मतलब जो धरती में समा जाती है, अंकल के मोबाइल में है वो कैप्चर्ड। अंकल वो कह रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूँ। मेरा भाई भी गया था अभी कुछ टाइम पहले ना, मेरे को भी जाना है यार, जल्दी जाएंगे बद्रीनाथ जाना है, मैं तब जाऊंगा उस साइड में। तो कुमार का हमने टीका लगवा लिया गाइस। श्री शंकर भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्टार्ट होने वाली है जल्दी। Oh, 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 oh,
तरीके निकाल के आरती देखी भाई, बहुत मजा आया, बहुत फन किया हमने और मैंने ऐसे खुश हो गया भाई। लास्ट टाइम मेरी रह गई थी आरती, इस बार ही भाई आरती देख के मजा आ गया, मेरा दिल खुश हो गया। अगली बार ऋषिकेश आऊंगा तो ये चीज़ तो भाई बिल्कुल मिस नहीं करूंगा मैं, अगर मैं ऋषिकेश आया फिर से तो। और आपको भी यही चीज़ बोलूंगा, ऋषिकेश आओ, ये मिस मत करना गलती से भी भाई, ये मस्त है भाई, मस्त है। जो असली मजा है ना भाई वो यही है भाई, अगर आपने ये नहीं एक्सप्लोर किया तो भाई कुछ भी नहीं किया, मतलब ऋषिकेश में आपने बस इसी में है भाई, जो फन है ना पूरा फन इसी में ही है। बाकी तो चीजें राफ्टिंग वाफ्टिंग तो होती रहेगी भाई, पर ये चीज मस्त है भाई, ये चीज करके जाना प्लीज गाइस। अभी हम थोड़ा यहाँ पे घूमते घूमते हैं, शूज पहनेंगे, उसके बाद फिर रूम के लिए निकलेंगे, थोड़ी फोटोज खिंचवाते हैं यहाँ पे और मिलता हूँ फिर आपको बाद में। Cheers guys, चाय चल रही है। So guys, वहाँ से आ चुके हम, अभी हम जानकी सेतु पे हैं और यहाँ पे कुछ सुवेनियर्स ले रहा था अपने लिए यहाँ दुकान से, और अभी कुछ खाने का देख रहे, इधर कुछ मिलता है तो यार खाना वाना खाएंगे फिर। Guys, ये रहा अपना रात का खाना, छोले कुलचे। So guys, ये खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं रूम पे। सो गाइस, वहाँ से निकल के आ गए हम, अभी हमने छोले भटूरे खाए थे, छोले कुलचे खाए थे सॉरी, और अभी हम हैं जानकी सेतु में और अभी हम जा रहे हैं फिर लक्ष्मण झूला की तरफ, जो कि यहाँ से 3.2 किलोमीटर भाई, बहुत दूर पैदल चल के जाना है अभी। और हमने खा भी लिया, अब चला भी नहीं जा रहा ध्यान कर। हाँ भाई लाडर, भाई मामला हो गया सेट, लाडर लाडर तो तीन किलोमीटर जाना भी है लाडर। भाई याद मत दिला भाई, भूला हुआ ही ठीक हूँ मैं उसे, याद आएगा। 3 किलोमीटर जाना है भाई यहाँ से, यार बैंड बज रखी है सबकी, सारे एग्जॉस्ट हो रखे इस टाइम पे क्योंकि सुबह से भाई ट्रैवल ही कर रहे हैं। और यहाँ तो ऋषिकेश में हमने गाड़ी में बैठे, मतलब ये लगाओ 100 में से 20% हम गाड़ी में बैठे, बाकी हमने पूरा पैदल ही पैदल नापा है, हालत खराब है। गाइज रात को तुम क्या खा ले हो गाइज? गोला, सी गोला, गोला, रेनबो गोला, आइस गोला, कतई डोरा का गोला। क्या आपको क्या आपको गोला दिख रहा है? दिख रहा है डोरा का गोला, एंजॉय दिस।